हम इसे हल्के हाथों से मिलाकर हम थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मूंग के पकोड़े बनाने के लिए हम लेंगे एक कप धुली मूंग की दाल और इसे हम 2-3 बार साफ पानी में धो लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सा डस्ट होता है। और अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं और इसमें डालेंगे हम 1/2 से 1/4 कप पानी, जिस कप से हमने दाल ली है उसी से नाप कर डाल दें। और अब इसे बंद करके हम इसे गैस पर उबलने के लिए रखेंगे और जैसे ही कुकर गर्म होगा इसे सिम पर 2 से 3 मिनट तक पकने दें और फिर गैस बंद करके इसे अपने आप ठंडा होने दें। तब तक हम लेंगे ढेर सा धनिया, 2 प्याज, हरी मिर्च, 5-6 कली लहसुन और अदरक। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं और कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब हम मिर्च, लहसुन, अदरक के साथ थोड़ी सौंफ, आधी चम्मच जीरा, 8-10 काली मिर्च और थोड़ा पानी डालकर इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं। इसे बहुत फाइन नहीं पीसना है और प्याज को हमें फाइन काट लेना है, इससे पकौड़ों में स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसे हम इस तरह फाइन काटेंगे और धनिया को भी साफ धोकर हमें डंठल सहित काटना है, इसका डंठल हमें अलग नहीं करना है। और अब कुकर ठंडा हो गया है, देखिए दाल एकदम दानेदार है और बढ़िया सी गली है, हमें इसी तरह की दाल चाहिए थी। यहाँ पर ये हल्की सी एक कण अंदर कच्ची रह सकती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैसी ही दाल पकानी है, बहुत अधिक नहीं गलाना है। और अब इस दाल को हम हल्के हाथों से मिलाएंगे, इसमें मूंग के दाने दिखाई देने चाहिए, बहुत अधिक इसे फेंटना नहीं है। और अब हम इसमें मिलाएंगे 3 चम्मच चावल का आटा और 4 चम्मच मैदा, यदि मैदा नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। और अब इसे मिक्स कर दें और इसमें अब हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और मोटा दरदरा पीसा हुआ मसाला भी डाल दें और साथ में हम लाल मिर्च, तीखी या देगी मिर्च जैसी आपको पसंद है वो डालें। हल्दी पाउडर थोड़ा कम डालेंगे कलर के लिए और नमक भी हमें थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि बाद में नमक का स्वाद बढ़ जाता है, तलने के बाद नमक का टेस्ट बढ़ता है। इसे भीगने दें, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ हम 1 चम्मच मूंग की दाल को धो लेंगे और इसे पैन में हल्का भूनेंगे, पहले ये थोड़ा चिटकती हैं और फिर ये गुलाबी हो जाएंगी। जब ये पिंक होने लगे तो इसमें हम मिला देंगे 1/2 कटोरी नारियल का बूरा और 1/2 मिनट के लिए भूनें और इसे गैस से उतार दें क्योंकि गर्म पैन में थोड़ा ये और भून जाएगा। और अब इसे हम खाली कर लेते हैं। इसी पैन में हम थोड़ा सा तेल डालकर 4 सूखी लाल मिर्च भून लेंगे, बहुत अधिक ना भूनें, हल्का सा क्रिस्प करें, सिर्फ 1/2 मिनट के लिए भूनें ताकि अच्छे से पिस जाए और उनका स्वाद थोड़ा सौंधापन हो जाए। और अब ठंडा करके इन्हें हम मिक्सी के जार में ले लेते हैं, नारियल और दाल का मिश्रण और लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा काला नमक और थोड़ा सा हम रेगुलर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ा पानी डालकर इसका हम महीन पेस्ट बना लेंगे। पानी डालने से एकदम महीन पिस जाएगी और ये चटनी बहुत ही तीखी बनती है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए ये इसका तैयार हो गई है, इसमें हम इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा दही डाल देंगे और पतली करने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, वो भी आप अपनी इच्छा अनुसार मिला दें। और अब पैन गर्म करें, उसमें 2 चम्मच तेल गर्म करें, उसमें ड्राई और सौंफ का हम तड़का लगाएंगे और अब इस तड़के को हमें चटनी में मिला देंगे। चटनी में देखिए एक शाइनिंग आ गई है और टेस्ट भी बढ़ गया है। अब इसे हम एक तरफ रख देते हैं, हम तलने के लिए तेल गर्म कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं दाल के मिश्रण की तरफ, ये देखिए नमक की वजह से ये हल्का सा नरम हो चुका है। अब हम इसमें इतना ही पानी मिलाना है कि अच्छे से बाइंड हो जाए। दोस्तों इसमें नमक हम इसलिए कम डालते हैं क्योंकि जब पकौड़े तलते हैं तो बाद में वो सिमट जाते हैं तो नमक का स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है, तो पहले कम ही नमक डालें। और ये देखिए परफेक्ट बाइंडिंग आ रही है। तो पहले हम एक पकौड़ा देखेंगे, पहले आँच को हम टेस्ट कर लेंगे, आँच हमें मध्यम रखनी है, तेल को पहले अधिक गर्म करें और फिर उसे मध्यम आँच पर लाएं और ऊपर हाथ रखकर हम आँच को देख लेंगे, फिर ही पकौड़ा सेकेंगे। और यदि ये पकौड़ा कढ़ाई में फैल रहा है तो हम इसमें 2 चम्मच मैदा या आटा और मिला सकते हैं। वैसे ये परफेक्ट मिश्रण तैयार हुआ है, हमें इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब तेल को फिर से गर्म करें और फिर उसे मध्यम आँच पर लाएं और हाथ से टेम्परेचर चेक करने के बाद मंगोड़े डालें। दोस्तों इन पकौड़ों हमें एक साथ पूरे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके तलना है,
क्योंकि पूरे डालने से ये फट सकते हैं, और इन्हें मध्यम आंच पर ही सेकना है। और डालने के बाद इन्हें 3-4 मिनट सिकने दें, और जब तेल में बबल्स कम होने लगे तभी इन्हें पलटें। डालकर हमें तुरंत इन्हें नहीं पलटना है, नहीं तो ये फट सकते हैं। और मध्यम आंच पर इन्हें हम सुनहरा होने तक तलेंगे, और आखिरी में हम इन्हें आधे से एक मिनट धीमी आंच पर तल सकते हैं। लेकिन पूरे समय हमें आंच मध्यम ही रखनी है, क्योंकि यदि आप पूरे समय हम आंच धीमी रखेंगे तो ये तेल भी बहुत अधिक सोखेंगे और कढ़ाई में फेल भी जाते हैं। तो इन्हें हम मध्यम आंच पर ही सेकें, लास्ट में ही आंच को आधे मिनट के एक मिनट के लिए सिम करें, और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही सुनहरे से ये पकौड़े बन चुके हैं। दोस्तों, आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं सारे पकौड़े से देख कर निकाल रही हूँ, और इसमें देखिए इसकी आवाज़ देखिए, एकदम इसमें क्रिस्प की आवाज़ है, बाहर से बारिश की भी आवाज़ आ रही है। और हम तोड़ कर देखते हैं, अंदर मूंग और सारे मसाले एकदम परफेक्ट पके हैं, और ऊपर एक सुनहरी सी लेयर दिख रही है, मतलब ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से पूरे पक चुके हैं। तो इन्हें हम हरी चटनी और लाल सूखी मिर्च की चटनी के साथ सर्व करें। ये देखिए पेपर में तेल भी बहुत कम है, मतलब ये तेल नहीं सोखते हैं। हरी चटनी की रेसिपी की वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और अब आप इसे चाट की तरह भी परोस सकते हैं। इसमें डालें थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा कटा हुआ प्याज, और नींबू और हरी मिर्च के साथ। दोस्तों, इसकी मंगोड़ी की चाट की भी रेसिपी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, और आप मंगोड़े का आनंद उठा